बायोएनर्जेटिक्स को हम पढ़े थे। बायोएनर्जेटिक्स के अंदर अपने लास्ट लेक्चर में हमने रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को पढ़ा था इन फोटोसिंथेसिस। आज जो है हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ लाइट एंड रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और सबसे पहले हम देख लेते हैं रोल ऑफ लाइट। लाइट, जैसे कि आप सब जानते हैं कि लाइट जो है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ लाइट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। हम जानते हैं, हमने अपनी जूनियर क्लासेस के अंदर भी पढ़ा है कि जो एनर्जी है हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी कहते हैं, या फिर समटाइम्स हम जो सूरज से आने वाली जो शुआएं हैं हम उसको रेडिएशन का नाम भी देते हैं। ये जो लाइट है इसके बारे में दो थ्योरीज मशहूर हैं, आप लोग अपनी अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे। हम कहते हैं कि लाइट जो है या तो लाइट जो है वो वेव्स की फॉर्म में होती है, ठीक है, और एक और थ्योरी जिसे हम कहते हैं कि लाइट जो है वो फोटॉन्स की या फिर पार्टिकल्स के फॉर्म में होती है, ठीक है, यू वेव्स होगी, और जो दूसरा क्या है, फोटॉन्स की बात की हमने, ठीक है, या पार्टिकल्स की बात की। तो लाइट बेसिकली वो दोनों तरह से बिहेव करती है, वो वेव्स के फॉर्म में भी बिहेव करती है और वो पार्टिकल उसका उसकी पार्टिकल नेचर भी है, इस तरह से हम इसे कहते हैं। दोनों फॉर्म में, या तो वो वेव हो या तो वो वेव की फॉर्म में हो या पार्टिकल नेचर में हो, दोनों फॉर्म में इसके अंदर एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होती है और ये एनर्जी जो है वो कन्वर्ट की जा सकती है किसी दूसरी फॉर्म के अंदर। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी यही काम हो रहा होता है, उसमें होता क्या है कि हम इस एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट लाइट का जो हिस्सा है, वैसे तो लाइट की ढेर सारी हमारे पास फ्रिक्वेंसीज और वेवलेंथ्स होती हैं, बट विजिबल लाइट जो है उसके अंदर हमारे पास जो फ्रिक्वेंसीज हमारे काम की होती हैं, या हम कहते हैं कि जो वेवलेंथ्स जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती हैं, उनको हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। हमने कहा था 380 से लेके 750 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ की लाइट है वो यूज़ होती है प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर। अब पिछले टॉपिक्स के अंदर भी हमने इस बात को डिस्कस किया था, आज हम फिर देख लेंगे कि ये जो लाइट है वो अब्जॉर्ब कहाँ हो रही है। लाइट जो है वो क्लोरोफिल हमारे पास पिगमेंट है जो कि एब्जॉर्ब करता है लाइट को। लाइट एब्जॉर्ब होके क्या होता है, इसके बाद हमने सेकंड प्रोसेस पढ़ा था कि वो एब्जॉर्ब होने के बाद कन्वर्ट हो जाती है इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, अब अगर हम इसको देखें तो टोटल जो लाइट पूरे के पूरे पौधे के ऊपर, या आप समझ लें कि लीफ के ऊपर पड़ी होती है, वो ढेर सारी बहुत ज़्यादा लाइट होती है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। उस तमाम लाइट के अंदर से सिर्फ 1% लाइट ऐसी होती है, या 1% एनर्जी ऐसी होती है जो कि प्लांट एब्जॉर्ब करता है, और बाकी की हमारे पास जो 99% एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस चली जाती है, ठीक है। 1% जो है वो एब्जॉर्ब हुई और बाकी 99% रिफ्लेक्ट हो गई, वापस चली गई। ये जो 1% यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है, इसके लिए हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात की थी, और हमने कहा था कि डिफरेंट तरह के हमारे पास पिगमेंट्स होते हैं और वो पिगमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट तरह की वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कौन सा पिगमेंट कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है उससे हमारे पास एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आता है। अगर आप रिकॉल करें अपनी वो वाली डायग्राम को, सॉरी एक फिगर थी हमारे पास जिसमें हमने आपको दिखाया था कि जो क्लोरोफिल है वो किस तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, वो ब्लू और रेडिश जो वेवलेंथ हैं, जिनके अंदर ब्लू में हमारे पास जो पर्टिकुलरली हम फ्रिक्वेंसीज़ की सॉरी वेवलेंथ की बात करें तो हमारे पास 430 नैनोमीटर, और रेड और ऑरेंज के शेड्स में हमारे पास 760 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ की लाइट थी वो एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल। इसके अलावा अगर हम कैरोटीनॉइड्स की बात करें, कैरोटीनॉइड्स जो कि दूसरी टाइप है हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की, तो कैरोटीनॉइड जो है वो बाकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स हैं, या डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें हमने कहा था कि ब्लू ग्रीन जो लाइट है पर्टिकुलरली वो एब्जॉर्ब करते हैं कैरोटीनॉइड्स, और इनका फिर इस वजह से अपना जो कलर है वो रेडिश या ऑरेंज कलर, ऑरेंज या येलो ऐसा कलर इनका अपना होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने बात कर दी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, यानी कि लाइट जो है वो कौन सी फ्रिक्वेंसीज या कौन सी वेवलेंथ की जो लाइट है वो कौन सा पिगमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है। अब लाइट एब्जॉर्ब तो हो गई, बट वो लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद किस तरह से यूज़ हुई या कहाँ कहाँ पर वो अफेक्ट किया उसने, उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है? एक्शन स्पेक्ट्रम बेसिकली हमारे पास एक ग्राफ है जो कि हमें बताता है कि ये
कौन सी लाइट ने कितना फ़ायदा दिया या कितनी इफेक्टिव रही लाइट, ठीक है. तो इट इज़ बेसिकली अ ग्राफ दैट शोज रिलेटिव इफेक्टिवनेस, ठीक है. और इफेक्टिवनेस को हमने कहा कि ये यूज़ भी हम यूजेज भी हम इसको कहते हैं, कि कितना यूज़ हुआ हमारे, किसी कितने काम किया है. अब देखें, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमने एक्शन स्पेक्ट्रम देखना है या हमने ये देखना है कि लाइट से हमें कितना फ़ायदा पहुंचा है, तो उसके लिए हम करते क्या है, हमें किस तरह से पता चलता है. उसके लिए करते ये हैं कि लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है लीफ का, ठीक है. इसको ऐसे हम कर देते हैं यूँ, इसमें डिफरेंट हमारे पास, ठीक है. ये हमारे पास एक लीफ का स्ट्रक्चर है. इस लीफ के ऊपर बेसिकली लाइट ने फॉल करना है. अच्छा, तो ये हमने एक लीफ बना लिया. बेसिकली हो ये रहा होता है कि हमारे पास, हम करते क्या हैं कि हम लाइट्स जो हैं वो डिफरेंट तरह की लाइट्स, इनके डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, लाइट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ वेवलेंथ्स, हम ये वाली डिफरेंट तरह की वेवलेंथ जो हैं वो लाइट की, वो फॉल कराते हैं लीफ के ऊपर, और लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. अब इस प्रोसेस को हमने मेयर करना होता है, और मेयर हम किस तरह से करते हैं, दो तरह से मेयर करते हैं. एक तो ये कि वो उस लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंजम्पशन कितनी हुई है, दूसरा इस लीफ के अंदर से ऑक्सीजन कितनी रिलीज हुई है, ठीक है. इन दो चीज़ों से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है, या हमें ये पता चल जाता है कि फोटोसिंथेसिस का रेट कितना है, यानी कितनी कितना फोटोसिंथेसिस इस लीफ के अंदर हो चुका हुआ है. और इस पूरे प्रोसेस को रन करने से हमारे पास एक जो स्पेक्ट्रम आता है, एक ग्राफ आता है, उसे हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम. अब अगर हम लॉजिकली बात करें तो जितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई होगी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर, उतनी ही लाइट यूज़ हुई होगी फोटोसिंथेसिस के अंदर. यानी कि हम थियोरेटिकली ये कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो इक्वल होना चाहिए एक्शन स्पेक्ट्रम के. मेरे पास एक फिगर है जिससे आपको एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम दोनों जो है वो मैं आपको दिखा सकती हूँ. अच्छा, ये दो फिगर्स हैं, अगर आप इनको देखें, अगर आप रिकॉल करें तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात की थी तो हमने ये वाली फिगर जो है इसको डिस्कस किया था. अब हमारे पास एक और स्पेक्ट्रम भी आ गया है, या एक और ग्राफ आ गया है, जिसे हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम. एक्शन स्पेक्ट्रम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ्स हैं डिफरेंट, हमारे पास लाइट्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास फोटोसिंथेसिस का रेट है, यानी कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे कितना हुआ. आप अगर यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, और ये हमारे पास, ये वाली जो डायग्राम है, ये हमारे पास एक्शन स्पेक्ट्रम है. अब अगर इसे गौर से देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपको एक लाइन नज़र आ रही है, जो ग्राफ बना हुआ है, और दूसरी लाइन यहाँ पे बनी हुई है, तो ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है. यानी कि जो यहाँ की लाइट्स हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही हैं. और इसी तरह आप यहाँ पर देख लें तो तकरीबन वही फ्रिक्वेंसीज जो यहाँ पर आपको नज़र आएंगी, जो यहाँ के स्टार्ट में थी, वही यहाँ पर हैं, और वहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी काफ़ी ज़्यादा है. जबकि आप जब इसका मिडल रीजन देखते हैं, यहाँ से यहाँ का रीजन, ये बेसिकली अगर हम कलर्स में देखें तो ये यहाँ पे ग्रीनिश कलर और यहाँ पे येलोश कलर आ जाता है. तो यहाँ पे आप अगर फोटोसिंथेसिस का रेट देखें तो वो बहुत कम है, या मिनिमम रेट है फोटोसिंथेसिस का इस रीजन के अंदर. और जब हमने बात की थी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो थियोरेटिकली एक्शन स्पेक्ट्रम के जितना होना चाहिए, तो यहाँ ये चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसकी जो लिमिट है, या कहाँ जितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है, थोड़ा सा ही फ़र्क है उससे एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर. और एक और डिफरेंस जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा वो ये है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की जो पीक्स हैं, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर ये जो हमारे पास वैली है, ये डिफरेंट है एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर, बट बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है. और ये डिफरेंस क्यों है, ये डिफरेंस इसलिए है कि क्योंकि इस डायग्राम के अंदर, या इस फिगर के अंदर, बेसिकली आप जो देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं क्लोरोफिल को, जबकि एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास फोटोसिंथेसिस के जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए बी कंबाइंड, हम उसको मिला के देख रहे हैं. तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो इतना सा एक्स्ट्रा है, या इंक्रीज्ड है. एक और वजह इसकी वो ये भी है कि हमारे पास जो तीसरा एक सब्सटेंस है, या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जिसे हम कहते हैं कैरोटीनॉइड्स, तो कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं क्लोरोफिल बी में, और क्लोरोफिल बी फिर ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल ए के अंदर. तो रिलेटिवली हमारे पास फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है.
एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर अगर हम इक्वल इंटेंसिटी की लाइट दें, यानी कि हम एक जैसी लाइट्स की इंटेंसिटीज दें और वो लाइट्स जो हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की हों, तो हम ये चीज़ नोट करते हैं कि जो ब्लू लाइट है उसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेड लाइट। ब्लू लाइट के अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेड लाइट, और उसकी रीज़न भी यही है कि जो ब्लू लाइट है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आप देख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके बाद हम अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, जो कि है रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को देखने से पहले हमें ये, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर एक रिएक्टेंट के तौर पे एक्ट करता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे पास जो दूसरा रिएक्टेंट है वो वाटर होता है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ कंबाइन करता है और हमारे पास ग्लूकोज और फिर ऑक्सीजन बन जाती है। इस प्रोसेस में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बेसिकली हो ये रहा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड पे रिडक्शन का प्रोसेस हो जाता है, और रिडक्शन के होने से बेसिकली कन्वर्जन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की इनटू शुगर्स, और ये जो शुगर्स हैं डायरेक्टली कन्वर्जन नहीं। इसके अंदर हमने एक प्रोसेस पढ़ा जिसमें हमने कहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करते हैं तो सब वो पहले कन्वर्ट होते हैं एक केमिकल एनर्जी के अंदर, और वो केमिकल एनर्जी हमने कहा था इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADH है, ठीक है। ATP स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, NADH स्टैंड फॉर निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अच्छा, ये तमाम के तमाम जो रिएक्शंस हैं या ये जो पूरा प्रोसेस है ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा होता है, और अगर अगर हम ये चाहें कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम कैरी ऑन कर रहे हैं विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्राइमरी रिएक्टेंट है इस प्रोसेस में। टोटल जो फोटोसिंथेसिस पूरे प्लांट के अंदर हो रहा होता है उसके अंदर जो, या हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जितने फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसमें से 10% जो है वो टेरेस्ट्रियल यानी कि खुश्की पे पाए जाने वाले प्लांट्स की वजह से है, और जो बाकी का फोटोसिंथेसिस है वो कैसे हो रहा है, वो हमारे पास जो 90% तकरीबन फोटोसिंथेसिस जो है वो ओशंस में, लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह में जितने प्लांट्स पाए जाते हैं या एल्जी पाई जाती है उनके थ्रू है, ठीक है। अब पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, पानी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बेसिकली एब्जॉर्ब फॉर्म में होती है या डिजॉल्व, इसको हम कहते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिजॉल्व होती है वाटर के अंदर, या फिर कुछ डिफरेंट फॉर्म्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स ले लेते हैं, उसमें बायकार्बोनेट्स हो सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट सोल्युबल कार्बोनेट्स हो सकते हैं। तो इस फॉर्म में प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर की जब हम बात करते हैं तो हम सब जानते हैं, हमने वैसे नॉर्मली पढ़ा हुआ भी है कि एटमॉस्फेयर में 0.03 से लेके 0.04% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, और यही 0.03 to 0.04% जो कार्बन डाइऑक्साइड है यही कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है बाय ऑल द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू मेक फूड। अच्छा, अब प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर किस तरह से होती है, इस प्रोसेस को भी आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। हमने बात की थी जब लीफ के स्ट्रक्चर की, तो हमने कहा था कि लीफ का जो लोअर स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हम अगर यूं लीफ के सेल्स बना दें, ठीक है, और इसके साथ ये हमारे पास इसकी लोअर स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसके दरमियान में हमने डिफरेंट और टिश्यूज़ बनाए थे, हमने कहा था मेसोफिल टिश्यूज़ हैं, और इसके अलावा इसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। तो जब हमने यूं लीफ का एक स्ट्रक्चर बनाया था तो हमने कहा था कि लीफ के स्ट्रक्चर के अंदर एक नीचे की जो लेयर होती है यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट तरह के दो सेल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बीन शेप स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम कहते हैं बीन शेप ओपनिंग होती है, हम कहते हैं स्टोमेटा। इसको यहाँ लेबल कर देते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो ओपनिंग है, और यहाँ पे हमारे पास दो बीन शेप सेल्स पाए जाते हैं, और ये जो सेल्स हैं इनका नाम, इनको हम नाम देते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स ये बेसिकली बीन शेप्ड होते हैं, और इनका थोड़ा सा डिफरेंट ये सेल्स हैं बाकी सेल्स की निस्बत, वो इस तरह से कि ये अपनी शेप जो है वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चेंज इस तरह से करते हैं कि जब इन्होंने ओपन होना होता है तो इनकी शेप कुछ इस किस्म की हो जाती है, ठीक है, और जब इन्होंने क्लोज होना होता है तो इनकी शेप
कुछ इस किस्म की हो जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल क्लोज है और इसके अंदर से किसी भी चीज़ का पास होना इम्पॉसिबल है, जबकि यहाँ पे इजीली चीज़ें या एयर बेसिकली जो पास है वो अंदर भी आ सकती है और बाहर भी जा सकती है। तो जो स्टोमेटा है ये वो सेल्स हैं जहाँ से एयर या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट के अंदर एंटर होती है। इसी तरह जब प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है और ऑक्सीजन बन जाती है एज अ प्रोडक्ट, तो जो ऑक्सीजन है वो प्लांट के अंदर से बाहर जो रिलीज़ होती है वो भी इन्हीं स्टोमेटा के अंदर से होती है। अब ये जो स्टोमेटा है इसके जो गेट्स हैं जिसको हमने कहा है गार्ड सेल्स, ये कुछ खास टाइमिंग्स पर खुलते हैं, कुछ खास टाइमिंग्स पर बंद होते हैं। और ये एक नेचुरल प्रोसेसेस में होता यह है कि हमारे पास टर्जिडिटी को हम देखते हैं। टर्जिडिटी जो है आपने इसको अपने ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, हमने पढ़ा था कि जो गार्ड सेल्स हैं जब ये टर्जिड होते हैं, यानी कि इसका मतलब है जब इनके अंदर पानी ज़्यादा होता है तो ये क्या करते हैं कि ये खुल जाते हैं, ठीक है, और जब इनके अंदर पानी ख़त्म होता है तो ये बंद हो जाते हैं, यानी कि यूं इस तरह से इनकी शेप इस तरह से चेंज हो जाएगी। तो टर्जिडिटी पे बेस्ड कर होता है। इसके अलावा प्लांट के अंदर एक नेचुरल साइकिल होता है या जिसको हम बायोरिदम भी कहते हैं या क्लॉक भी कहते हैं, क्लॉक या बायोरिदम, ठीक है। उस बायोरिदम या क्लॉक की वजह से होता यह है कि प्लांट को अगर कुछ ना भी पता हो तो खुद ही कुछ देर बाद जो है वो स्टोमेटा यही जो गार्ड सेल्स हैं ये खुल जाएंगे और खुद ही कुछ देर बाद ये जो सेल्स हैं ये बंद हो जाएंगे। नॉर्मली जब हम बात करते हैं डे और लाइट की तो हम ये जानते हैं कि दिन के वक्त क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो डे टाइम में जो स्टोमेटा है वो ओपन होता है, और नाइट टाइम में, नाइट में अब हमें पता है कि लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक गया है, तो इसलिए यहाँ उस वक्त जो है वो जो गार्ड सेल्स हैं वो क्लोज होते हैं या स्टोमेटा जो है वो क्लोज होता है। अच्छा, तो ये हमने देख लिया रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस आज के लेक्चर को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, शुरू से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने रोल ऑफ लाइट की बात की थी, रोल ऑफ लाइट में हमने लाइट की दो नेचर जो कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर है उसको देखा था। उसके बाद हमने लाइट फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ को देखा कि कौन कौन सी वेवलेंथ की लाइट जो है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद हमने बात की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम की, और फिर हमने एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का थोड़ा सा कंपैरिजन देख लिया कि कौन सी लाइट जो है वो कितनी एब्जॉर्ब होती है और फिर उसके रिजल्ट में कितना फोटोसिंथेसिस या कितनी इफेक्टिव जो है वो लाइट होती है, उस चीज़ को हमने एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर देख लिया। उसके बाद हमने रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को देखा, कार्बन डाइऑक्साइड के हमने ये देखा कि प्लांट्स के अंदर कितने कितने परसेंटेज जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट की फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होती है और कितने परसेंट जो है वो जो दूसरे प्लांट है हमारे पास जो कि ओशंस में, लेक्स में या पॉन्ड्स में पाए जाते हैं और उनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है। और उसके बाद फिर हमने बात की है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से एंटर होती है प्लांट के अंदर और पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो किस तरह से रन होता है इसकी हेल्प से, किस तरह से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है प्लांट के अंदर। तो ये आज हमने देख लिया रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिएक्शन से स्टडी करेंगे, हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस के डिफरेंट रिएक्शंस और उसके बाद फिर हम लाइट एंड डार्क रिएक्शंस को डिटेल के अंदर देखेंगे।